हेलो भाइयों, मैं कृष्णा सैनी स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। तो भाई आज मैं आया हूँ टाटा नेक्सॉन लेके भाई आपके सामने। तो भाई इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसके बारे में भाई जानेंगे क्या डिटेल्स हैं इसकी। हमारे साथ रवि भाई मौजूद हैं, रवि भाई हमको बताएंगे सारी चीजें इसके बारे में, फीचर्स भी बताएंगे और भाई बारीकी से इसके फीचर हम आज देखने वाले हैं गाड़ी में। भाई साइज वगैरह के हम ऊपर बात नहीं करने वाले, इसके ओवरऑल भाई फीचर्स के बारे में बात करेंगे हम। तो फ्रंट से अगर हम बात कर लें तो भाई सेंसर वाइज में मिलते हैं, सामने DRL कुछ इस तरीके देखने के लिए मिल जाती है, इधर लाइट देखने के लिए मिल जाती है, ऑटो लाइट में ऑटो भाई LED लाइट इसमें देखने के लिए आपको मिल जाती है। बाकी साइड से बात करें तो कुछ इस तरीके के LED आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं R60। और भाई चारों में इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है, ऐसा नहीं है कि भाई पीछे ड्रम ब्रेक दे दी, क्योंकि EV है भाई, EV में चारों ही आपको डिस्क ब्रेक देखने, क्योंकि इसकी जो इसका पिकअप है भाई बिल्कुल एकदम रॉकेट की तरह है, तो गाड़ी रोकने के लिए ओवरऑल भाई चाहिए चाहिए। फिर तो भाई बैक से अगर बात करें तो जिस तरीके लोग हैं पीछे नेक्सॉन EV भाई बीच में लिखा हुआ है भाई, ग्रे कलर की भाई ये गाड़ी है। पीछे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रखे हैं, कैमरा भाई बीच में दे रखा है लोगों के नीचे जस्ट भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है कैमरा। तो भाई कौन सा वाला वेरिएंट है? नेक्सॉन फियरलेस प्लस SMR, ये मीडियम रेंज कार है भाई, मीडियम रेंज कार है। यहाँ पे भाई इसमें चार्जिंग इसका पोर्ट आता है अंदर से खुलेगा, जो कि हम अंदर चल के इसमें बात करेंगे, बाकी भाई साइड से इस साइड से आप लोग इसकी देख ही सकते हो। तो ये अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं इसके। तो भैया बताइए इसके फीचर्स समझिए। नेक्सॉन फियरलेस प्लस SLR में ये सेकेंड टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल में कुछ चीज़ें और एड ऑन हो जाती हैं, जैसे कि वेंटिलेटेड सीटें हो गई, आपकी 360 सराउंड कैमरा हो जाएगा, हार्मन का टच स्क्रीन यहाँ पे मिल जाएगा, चार स्पीकर, चार ट्विटर इस गाड़ी में मिल जाएंगे, 6 एयर बैग है सेफ्टी पर्पज से। टॉप मॉडल में यहाँ पे SOS कॉल सिस्टम भी बढ़ जाता है। इसमें भी नेक्सॉन के फियरलेस वेरियंट में भी जो वॉइस असिस्ट है वो काम करता है, जैसे कि वॉइस असिस्ट, सनलूफ हो गया, AC, ये सारे कमांड, 23 से ज्यादा फीचर्स जो हैं वो वॉइस असिस्टेंट में। तो भाई यहाँ पे इसके चार्जर का दे रखा है, जैसे चार्जिंग अगर हम लगा देते हैं तो भाई यहाँ पे लॉक हो जाता है, कोई भी इसके चार्जर को खींच नहीं सकता बाहर। ये भाई बूट के लिए दे रखा है, ये लॉक अनलॉक के लिए जी, ये आप डोर अनलॉक के लिए, ये हिल डिसेंट कंट्रोल दे रखा है, जैसे कि गाड़ी डलान वगैरह पे खड़ी हुई है तो अपने आप रुक ही रहे उस जगह पे। भाई ये एक्सप्रेस कूलिंग यहाँ पे दे रखा है, ये रियर, और ये भाई रियर में भी कुछ डिफोगर है, डिफोगर, अच्छा डिफोगर साफ, जैसे कि कोहरे वगैरह, कोहरे वगैरह में धुंध जम जाती है तो वो डिफोगर साफ करने के लिए, शीशे साफ करने के लिए। ये है आपके, जैसे कि आपको पैरों पे हवा देनी है, जैसे कि आपके फेस पे हवा आनी चाहिए तो इसको यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी आपके पैरों पे हवा चल रही होगी, यहाँ से AC ऑन ऑफ करने के लिए, ऑटो पे रखने के लिए, यहाँ से आप फैन को स्पीड को कम ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हैं। भाई ये स्टीयरिंग कंट्रोल इसमें देखने के लिए मिल जाता है, वॉल्यूम कंट्रोल इसमें देखने के लिए, माउथ असिस्टेंट इसमें देखने के लिए मिल जाता है भाई, इसमें क्रूज कंट्रोल भी आपको देखने के लिए मिल जाता है भाई, इसमें मिरर आप सेट कर सकते हो अपने जगह पे भाई, इसमें आपको चारों पावर वायरलेस वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, इको, स्पोर्ट और सिटी तीनों मोड मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ आपको रिवर्स और ड्राइव करने के लिए यहाँ पे गियर लॉक दे रखा है जी। बाकी ये इसका बूट मतलब इधर हैंडरेस्ट दे रखा है, ओनली आगे पीछे होता है, खुल जाता है, छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं इसमें अंदर। इसमें वो ग्लव बॉक्स में जैसे कूलिंग का सिस्टम आता है, कूल ग्लव बॉक्स है, कूल ग्लव बॉक्स, आप हाथ लगा इसमें ठंडा रहता है भाई अंदर से, अगर आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह रख रहे हैं या फिर दवाई वगैरह रख रहे हैं तो इसमें ठंडी बनी रहेंगी वो भाई। इधर नॉर्मली अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वैसे धूप के लिए काम आते हैं, धूप के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह भी रखते हैं। इधर एक मिरर आपको देखने को मिल जाता है, ये भाई आपको मैनुअली देखने के लिए। टॉप मॉडल में ये जो IRVM आएगा वो प्रिज्मेटिक आता है जी। अच्छा भाई पीछे देखें तो पीछे तो नॉर्मल है भाई, एक इधर AC जरूर आपको देखने के लिए मिल जाती है, इधर आपको चार्जर मिल जाता है 45 वाट का भाई, चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। और भाई इसमें हे सिरी का ऑप्शन है, यहाँ से मैनुअली बंद कर सकते हो।
इधर से एक बार ये खींचना पड़ता है इस टाइप से। और भाई कुछ इसमें स्पेशल कुछ यूनिक फीचर्स? भाई यूनिक फीचर टाटा, एक तो पावर इसमें आपको 205 NM की मिलेगी, टॉर्क जनरेट करता है 205 NM का। स्पोर्ट मोड पे गाड़ी फन टू ड्राइव है, एकदम चलाने में बहुत ही मजा आता है कंफर्टेबली। इस गाड़ी में आप लॉन्ग ड्राइव पे कभी जा रहे हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होगी मैक्सन में। तो मतलब ओवरऑल पढ़ कितने की जाती है? मेनली तो यही चीज है। और रेंज इसकी कितनी है? रेंज है, लॉन्ग रेंज की बात करें तो जो क्लेम रेंज आती है वो आती है 465 किलोमीटर, लेकिन जब आप हाईवे पे गाड़ी को चलाते हो, 5 लोग बंदे गाड़ी में बैठे हुए, एसी वगैरह सारी चीजें चलाओगे, तो आपकी 330 से लेके 350 ही रेंज निकाल देती है। सही है भाई। फिर तो और नॉर्मली अब भाई पढ़ कितने की जाती और है? ड्राइविंग स्किल्स अगर बढ़िया हैं तो रेंज अच्छी भी निकाल सकते हैं। तो भाई स्पोर्ट और इको और सिटी के हिसाब से वो तो ड्राइवर के भी ऊपर है, किस टाइप से चला रहा है। अगर खींच के चला रहा है तो वो कम ही चलेगी। तो भाई मेनली कितने की पड़ जाती है? अच्छा ये बेस मॉडल 16 लाख से स्टार्ट होता है, टॉप मॉडल इसका 21 लाख तक जाता है ऑन रोड ड्राइव। तो भाई ठीक है। ओवरऑल गाड़ी अगर भाई कोई लेना चाहे तो भाई ले सकता है, पेट्रोल डीजल से तो मच मच बेटर है। हाँ, पेट्रोल डीजल जितने का महीने में फूकते हैं उतने में इसकी EMI निकल आएंगी। मतलब ये गाड़ी सुनने में आपको महंगी लगती है, बाकी महीने का कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये आपका बचा के देगी। बिल्कुल पेट्रोल भाई। डीजल का मेंटेनेंस का कोई खर्चा आता नहीं है, सर्विसिंग का कोई खर्चा है नहीं, वही आपका जेनुअन खर्चा है। ब्रेक ऑयल और कूलेंट का टॉपअप होता है, बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, वो भी साल में एक आधा बार होता है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सारे फीचर्स बताने के लिए। और भाई अगर कोई फीचर रह गया हो हम पे से तो हमें कमेंट करके बता देना, हम अगली नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे। तो भाई वीडियो करते हैं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।